अस्सलामुअलैकुम, अज़मे पाकिस्तान न्यूज़ के साथ मैं हूं नमरा बदूर और मैं हूं लाइबा इम्तियाज। आइए चलते हैं आज की हेडलाइंस की जानिब। हंगामा आरई केस, लीगी एमपीए ख्वाजा इमरान नज़ीर की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल बावडा की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर सवाल आज होगी। सिराजुल हक का कहना है कि मौजूदा हुकूमत मुद्दत पूरी करने नहीं अवाम को रिलीफ देने आई थी, यू टर्न देने से अवाम और खालिद दोनों नाराज होंगे। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल संगीन हो गई, 24 घंटों में 34 अमवात। इमरान इस्माइल का कहना है कि अमरीकी सफारतखाने के ट्विटर का मामला मुज़हका फेज है। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का कश्मीर बचाओ मुहिम चलाने का फैसला। लाहौर हाईकोर्ट ने DGLDA का तबादला करने से रोक दिया। जाली भर्तियों का रेफरेंस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दो अफसरों को कैद और जुर्माने की सजा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर सस्ता होकर 7 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, मुसलसल 5वें माह भी तरसीलाते जद में इजाफा रिकॉर्ड। वजीर आजम इमरान खान ने ईरान का पाकिस्तान के साथ तजारत के फरोग के लिए एक और सरहदी गुजरगाह खोलने का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि बाहमी तआवुन खासतौर पर तजारती और इक्तिसादी तआवुन दोनों ममालिक के लिए बाहमी फायदेमंद साबित होगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट azmepakistan.tv। अल्लाह हाफिज़।